हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे नंबर्स को वर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 125 रुपये टाइप किया हुआ है, आगे रिजल्ट आ रहा है 125। सिमिलरली नीचे फिर मैंने 125 रुपये टाइप किया हुआ और यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 125 रुपये। गाइस, मैं सेकेंड फार्मूले बारे में बात करने वाला हूँ। बेसिकली इस वीडियो का आइडिया मुझे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बताया हुआ था। उन्होंने कॉल भी किया था मेरे को। वो किसी गवर्नमेंट एजेंसी में काम करते हैं और उनको एक ऐसा फॉर्मूला एक्सेल में चाहिए था जिससे वो नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट कर पाए बट हिंदी में। गाइस, मैं इसी फॉर्मूले के बारे में बात करूंगा और पूरा कोड दिखाऊंगा, और ये एक्सेल शीट जो है, जो कोड है, ये आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। कैसे काम करते हैं, इस फॉर्मूले को कैसे हम यूज करते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं वैसे ही आपको फॉर्मूला लगाना है। मैं यहाँ पे बहुत सारी कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान के चलिए कि ये मेरी इतनी डिजिट्स हैं। आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू हिंदी टेस्ट। इस डिजिट्स को आपको सिलेक्ट करना है और इधर देखिए आपके सामने रिजल्ट है। एक को उसने 1 रुपए लिखा है, 34 को उसने लिखा है 34 रुपए। हम हिंदी भाषा में 34 रुपए उसको प्रिंट करते हैं। ये है 4450, तो उसने लिखा हुआ है 4450 रुपए। सिमिलरली जैसे यहाँ पर है, यहाँ उसने लिखा हुआ है 8896 रुपए। तो गाइस, इसके पीछे मैंने एक कोडिंग की हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कोडिंग की हुई है। आपको डबल ये सीट, आप जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। ये आपका इंग्लिश वाला फंक्शन है। इंग्लिश वाले फंक्शन को मैं रेफर नहीं कर रहा हूँ, ये हिंदी वाले फंक्शन को मैं रेफर कर रहा हूँ। देखिए, ये पूरा हिंदी का फंक्शन है। देखिए, यहाँ से मैंने शुरू किया है। पहले मैंने डिजिट्स बनाई हुई है कि जो हिंदी में अपनी डिजिट्स हैं वो डिजिट्स कितनी है। फिर उसको मैंने 3 डिजिट तक लेके गया हूँ कि 3 डिजिट में मुझे क्या कोडिंग करनी चाहिए। फिर मैं 4 डिजिट का हुई है, फिर मैं 5 डिजिट की मैंने कोडिंग की हुई है, और फिर मैंने 6 डिजिट की कोडिंग की हुई है। ये आप पूरा देख सकते हैं, 7, 8 and this is your 9 and this is your 10। और 10 डिजिट तक, मतलब मैंने अरबों रुपए तक मैंने इसकी कैलकुलेशन कर दिया। बाद में ये मैंने पूरा फॉर्मूला बनाया हुआ है। सो गाइस, ये फार्मूला आप यूज करो अपने में। और थैंक यू सो मच गाइस, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, जिन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए बोला हुआ था। और दूसरा, मैं आपको आगे इसमें इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि ये चीज इंग्लिश में कन्वर्ट होगी तो फिर कैसे होगी। सेम नंबर को कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, इक्वल टू स्पेल नंबर, और ये फॉर्मूला ऐसे कुछ काम करेगा। देखिए, डिजिट्स 1 है, यहाँ पे 1 रुपए आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। यहाँ 34 है तो यहाँ पे आ रहा है 34 रुपए, यहाँ पे आ रहा है 34। यहाँ रेजनल 4450 है तो यहाँ पे 4450 रुपए, और यहाँ पे आ रहा है 4450 ओनली। सो गाइस, इस वीडियो में आप इस कोड को, इस वीडियो को आप पूरा देखो, दोस्तों को भी बताओ, बड़ा काम का वीडियो है। खासकर आप इंडियन किसी लैंग्वेज में काम करते हैं जहाँ पे आपको ये सब प्रिंट करना पड़ता है, तो बहुत ही आपके काम का है। और बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के। थैंक यू सो मच।